इस शुक्रवार 5 मई को इस सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है फिल्म द केरल स्टोरी विवादों में घिर गई है। फिल्म में दावा किया गया है कि यह केरल की उन 32,000 लापता लड़कियों की कहानी है जिनका ब्रेनवॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया, बाद में उनको ISIS से जोड़कर आतंकवादी बना दिया गया। फिल्म की रिलीज पर लगेगी रोक। अदा शर्मा स्टारर द केरल स्टोरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका के मुताबिक फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकिन ISIS की आतंकी बन गई। द केरल स्टोरी के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और ISIS जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। याचिका में द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की मांग है। When exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की पीठ ने कहा इस मामले को चीफ जस्टिस के पास रखें। केरल में हो रहा है फिल्म का विरोध। फिल्म पर केरल में भी विवाद हो रहा है। केरल की राजनीतिक पार्टियां जैसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य में फिल्म की रिलीज का विरोध किया है। केरल में कांग्रेस की सरकार ने भी फिल्म की रिलीज का विरोध किया है। मूवी को बैन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये OTT पर रिलीज तो होगी ही। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर आरोप लगाया था कि ये फिल्म संघ परिवार के द्वारा बनाई गई है, इसे संघ परिवार का प्रोपेगेंडा बताया था। उनका आरोप है कि इस फिल्म के जरिए राज्य में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बात करें फिल्म द केरल स्टोरी की तो इसे सिद्धिपो सेन ने बनाया है। फिल्म का जब टीजर रिलीज हुआ था तब भी विवाद हुआ था। लीड रोल में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बानी, सिद्धि धनानी है। ये मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज होगी। ट्रेलर में दिखाया गया है कैसे फिल्म में केरल की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया गया, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। शादी के बाद सभी लड़कियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर ISIS के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया। सभी को आतंकवादी बनाया जाता है। केरल की तकरीबन 32,000 महिलाएं राज्य से गायब होकर आतंक के चंगुल में फंस गई। उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। ये फिल्म केरल की सच्ची घटना से इंस्पायर्ड बताई गई है। देखना होगा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। या अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।